डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जिनिया शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम किताब के माध्यम से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर की हुई क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि अब बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिएगा, ताकि उसमें लगी मात्रा आपको पहचान आ जाए, जिससे आपको जो है हिंदी लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप जो है ध्यान से देखिएगा कि कौन से शब्द में कौन सा मात्रा किस तरह से लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है चीते से भिड़ंत। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी गुजरात की है। किसी जंगल में एक चीता रहता था। दिन में वह गुफा में सोता और रात होते ही शिकार की खोज में निकल पड़ता। कुछ दूर पर एक झील थी। चीता वहाँ पानी पीने के लिए जाया करता था। एक बार की बात है, वर्षा न होने से झील का पानी सूख गया। चीता पानी की खोज में निकला। जंगल में और कहीं पानी न पाकर गांव की ओर चल पड़ा। सारी रात चलता रहा। सुबह के धुंधलके में वह एक गांव की सीमा में पहुंच गया। गांव के कुत्ते रखवाली करने बैठे थे। रात भर भूखते रहने के कारण वे थक गए थे, अतः ऊंग रहे थे। चीते की गंध पाते ही एक कुत्ता उठ खड़ा हुआ। तब तक चीता उसके बिल्कुल पास आ गया था। एक कुत्ते को चौकन्ना देख दूसरे कुत्ते भी सावधान हो गए। चीते को गांव में देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, पर अब सोचने का समय नहीं था। सबने जोर से भूकना शुरू किया। चीता भी चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि शीघ्र ही गांव वाले आ पहुंचेंगे, पर प्यास
के कारण वह बुरी तरह अकुला गया था, अतः कहीं छिपने के लिए तेजी से दौड़ा। चीते की घबराहट भांप कर कुत्तों ने तेजी से उसका पीछा किया। दौड़ते दौड़ते वे चीते के एकदम पास पहुंच गए। सहसा चीते को एक घर दिखाई दिया। उस घर में बैल बांधे जाते थे। दरवाजा खुला था। वह सीधा उसमें घुस गया। भाग्य से वहां कोई नहीं था। कुत्ते घर के बाहर रुक गए और जोर जोर से भूकने लगे। कुत्तों को इस तरह भूकते देख गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वे समझ गए कि दाल में कुछ काला है। चीता सोचने लगा, अगर लोग अंदर आ गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा, अतः बाहर निकलना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। चीते ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। अगले ही क्षण वह घर के बाहर आ गया। सामने लोगों की भीड़ थी। चीते ने एक आदमी को दबोच लिया। भयानक चीते को देखकर गांव वाले भी सहम गए। वे समझ नहीं पाए कि अब क्या किया जाए। गांव के लोगों ने मिलकर चीते की पीठ पर वार करना शुरू किया। कहते हैं, मार पड़ने से भूत भी भागता है। फिर चीता तो जानवर ही था। चोट खाकर चीता भागा। सामने से एक युवक कुल्हाड़ी लिए चला आ रहा था। उसे देखकर चीता सतर्क हो गया। युवक ने कुल्हाड़ी से चीते पर वार किया, पर चीता वार बचा गया। उसने भयंकर गर्जन करते हुए युवक के कंधे पर एक झपटा मारा और मांस का लोंदा निकालकर जंगल की ओर दौड़ना
चाहा, शायद चीते का भाग्य ठीक न था। वह जंगल के बजाय एक सूखे नाले में घुस गया। नाले के उस पार से एक बूढ़ा चला आ रहा था। चीते को अपनी ओर आता देखकर बूढ़ा ठिठक गया। सोचने लगा कि वह आगे बढ़े या पीछे हटे। सामने खूंखार चीता गुर्राता हुआ खड़ा था। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता था और पीछे हटता तो चीता उसे दबोच लेता। बूढ़ा आदमी जगह पर मूर्ति तुल्य खड़ा रहा। बूढ़े को राह से हटता न देख चीता भी झुंझला उठा। उसने छलांग मारी और पिछले दोनों पांवों पर खड़ा होकर बूढ़े का सिर मुंह में दबोच लेने की ठानी। इसी बीच बूढ़े में न जाने कहां से शक्ति आ गई। उसने चीते की गर्दन दबा दी। बूढ़े और चीते का संघर्ष जारी रहा। गांव वालों को इसका कुछ पता न था। वे समझ रहे थे कि चीता जंगल में चला गया है, लेकिन गांव के कुत्ते जोश में आ गए थे। चीता के भागने से उनका हौसला कई गुना बढ़ गया था। वे उसका पीछा करने लगे। इधर उधर घूमकर जब वे नाले में घुसे तो बूढ़े को चीते का सामना करते देखा। कुत्तों को देखकर चीते के होश उड़ गए। एक कुत्ते ने लपककर उसका पांव पकड़ लिया। दूसरे ने उसकी पूंछ अपने मुंह में दबोच ली। दो तीन कुत्तों ने उसकी पीठ पर हमला बोल दिया। चीते ने स्वयं को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, किंतु बूढ़े ने उसके सभी प्रयास बेकार कर दिए। कुत्तों के आ जाने पर बूढ़े ने हाँक देना शुरू कर दिया। हाँकने की आवाज से कुत्तों का साहस कई
गुना बढ़ गया। वे चीते पर जोरों से हमला करने लगे। तभी एक युवक हाथ में बंदूक लिए पहुंच गया। उसने निशाना साधकर गोली दाग दी। निशाना बिल्कुल ठीक बैठा। गोली खाकर चीता जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर तड़पने के बाद वह ठंडा हो गया। तो दोस्तों, आज के इस हिंदी क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से हिंदी के किताब पढ़ना सीख जाएं। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की हिंदी के क्लास का वीडियो जो है आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में एक नए कहानी के साथ।